देखो ये हमारा लड़का क्या उठा के लेके आया, लो बैठने के लिए। हाँ, बैठ गया। लो जी, ठीक है, चलना नहीं, घर नहीं जाना है, घर नहीं जाना है। कंचन, मैं ही लेके आई हूँ इसको यार। नो 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 नो, चलो ये रख के आओ, उधर रख के आओ, कहाँ से उठा के लाओ, रख के आओ, रख के नहीं आना। मेरे मम्मा तो देखो सुंदर बन गई है, चलो ये रख दे यहीं पे। वो भी चक्कर है, डर मत, डर मत, ये ले। बहुत बुरा हाल है, सबसे पहले अपना घर सेट करती हूँ अपने अकॉर्डिंग। यहाँ से सभी गंदी चीज़ों को हटा के और अच्छी चीज़ें रखते हैं घर में, और सारी साफ़ सफाई करते हैं, और फिर अपना घर सुंदर सा बनाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मेरी आज ज़ख्म तो ठीक होने लग गए हैं, बस थोड़ा बैक पेन हो रही थी। आई थिंक वो पीरियड्स की वजह से हो रही है शायद, ज़्यादा तो दिक्कत ये हो रही थी कि मैं काम कर रही थी तो मेरे ना लक में दर्द हो रहा था, तो मैंने बेल्ट लगा ली, तो इससे मैंने फिर कंफर्टेबली जो अपना है काम कर लिया। इससे मुझे बहुत कंफर्ट मिलता है बेल्ट। मेरे ना मेरा सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था प्रियांश के बाद, जब प्रियांश हुआ था तो उसके बाद आपको पता है 2-3 बार मेरे मिसकैरेज हो चुका है, तो इस वजह से मेरे बॉडी में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई थी बैक में। उसके बाद जो कुछ हुआ आपको पता ही है, क्या कुछ नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को दोबारा स्टैंड करने की कोशिश करती हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ। मैं बैठ नहीं सकती क्योंकि मैं अकेली हूँ, तो मैं चुपचाप बैठ जाऊँ, ठीक है, मैं अकेली हूँ तो कहीं भी जाके अपना गुजारा कर लूँ कुछ भी करके। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि लेकिन मेरे पास मेरा बेटा है, उसकी जिम्मेवारी है, और उसको अच्छे स्कूल में स्टडी करवाना, उसको अच्छे मैनर सिखाना। सिर्फ एक इसकी फ़ोन की लत है जो वो धीरे धीरे करके कम हो रही है, क्योंकि मम्मी के घर रहता है तब भी ज़्यादा फ़ोन चलाता है, वो मेरे पास रहता है तो भी मैं चलाने नहीं देती हूँ उसको, मैं डांटती हूँ, तो इसीलिए फिर वो यहाँ से भागता है कि मम्मा मुझे डांटती है, फ़ोन नहीं चलाने देती। तो सिर्फ फ़ोन का सारा मसला है, तो अभी बच्चे की आदतें धीरे धीरे करके चेंज होंगी, है ना। तो घर का मैं सारा खिलारा वलारा चक रही थी, बहुत ज़्यादा खिलारा मच रहा है। उसके बाद जब मैं काम वाम कर रही थी तो उसके बाद मैं मेडिसिन लेके आई, अपनी मेडिसिन लेने गई थी, स्कूटी का स्टैंड टूट गया था, नीलम और मम्मी बाजार गए थे तो स्कूटी का जो स्टैंड है वो टूट गया था। पहले ही मैंने डलवाया था नया, और अब नया मतलब स्प्रिंग पहले भी सही करवाया था, अब मैंने नया ही डलवा लिया स्टैंड। कल मैं स्टैंड डलवाने ही गई थी मार्केट, क्योंकि स्कूटी का बड़ा स्टैंड है जो वो मेरे से लगता नहीं है, जो उठा के स्कूटी लगाना पड़ता है वो नहीं लगता, जो साइड स्टैंड है वो लगाना आसान होता है, वो टूट गया था। तो फिर मैंने वो पहले स्टैंड लगवाया, उसके बाद फिर अनमोल और आए हुए थे अपनी वीडियो बनाने के लिए, और हमने फ़ोन लेने जाना था, मेरा जो फ़ोन ठीक करने दिया था वो लेने जाना था, तो उसने वो फ़ोन पकड़ा, उसने मुझे बोला कि तेरा फ़ोन ठीक हो गया है तो ले जा फ़ोन। तो फिर मैं फ़ोन लेके आई, फिर वहाँ पे वो लोग बर्गर खा रहे थे जब मैं फ़ोन लेने गई,
तो वो लोग बर्गर वगैरह खा रहे थे, तो वह जानबूझ के हंसने मजाक कर रहे थे। वो लोग मुझे कोशिश कर रहे थे कि मैं हंसूं, क्योंकि मैं ऐसे सुस्त सुस्त सी थी। तो उन्होंने बोला कि तू खुश रह, हंस, स्माइल कर, तू अपनी लाइफ जी, क्यों ऐसे, तूने जो क्या हो गया, जो होना था अब तो खुश रह। तो इसलिए फिर मैं उनके साथ थोड़ा हंस खेल ली। आपको पता है मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अनमोल की कंपनी ऐसे ही है कि उसके साथ कोई भी इंसान होगा, कोई भी किसी भी एज का, तो वो ऐसा है कि वो खुद हंसता रहता है तो वो दूसरे बंदे को भी ऑटोमेटिकली हंसा ही देता है। कोई उसके पास बैठ के सैड होकर नहीं बैठ सकता। अगर मैं उसको, मतलब मैं सैड हूँ और मैं उसको कोई सैड तरीके से कुछ बात बता रही हूँ, वो उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसे कर देता है, उसमें भी हंसा देगा बंदे को। तो ऐसा है, उसमें इतने गलत उसकी वीडियो पर मेरे खिलाफ़ कमेंट किए गए हैं। पर कोई बात नहीं, मुझे पता है कमेंट करने वाले कभी नहीं सुधरेंगे, वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। बाकी मैंने किसी के लिए सबसे बातें करना, इन सबसे बात करना तक छोड़ दिया था। मैंने इनके फ़ोन उठाना तक छोड़ दिया था। मैंने इनके साथ वीडियोस बनानी बंद कर दी थी। मुझे ये था कि चलो उसको नहीं पसंद तो मैं नहीं करती, है ना। तो लेकिन जब अगला ही बंदा गलत करके चल जाए तो फिर मैं तो अपना काम करूँगी ना, मैंने तो उनके साथ फिर काम करना है। मैं अपने दोस्त को छोड़ो, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं उनके साथ अभी शायद वीडियोस में कम दिखूँ। वीडियोस तो मैं पहले जैसे नहीं बना सकती क्योंकि मैं अभी जॉब लग गई हूँ, तो मेरी देखती हूँ मैं कब से मैं ज्वाइन कर रही हूँ। जब मेरे थोड़ा बेटर फील करूँगी ना, ज़ख्म वगैरह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो मैं मेडिसिन कल चेंज करी है, कल दिखा के और चेंज करी है मेडिसिन, क्योंकि पहले मैं मेडिसिन जो लेके आई थी वो उससे मुझे ना फ़र्क नहीं पड़ रहा था। शुगर की मैं जो दवाई थी वो कंट्रोल नहीं हो रही थी शुगर उससे, तो फिर जो मैंने डॉक्टर ने मुझे पहले लिख के दिए रखी थी, जो मैं इतने टाइम से खा रही हूँ 20-25 दिन से 30 दिन से, तो वही मेडिसिन है जो मैं लेके आई, और अब उससे मेरी शुगर है कंट्रोल है और जख्म भी अब थोड़े से जो उस दवाई से ठीक होने लगे हैं। तो मेडिसिन अब मेरे को पता लग गया कि मेरे को कौन सी सूट करेगी, तो मैं फिर वही लेके आई हूँ तो कल शाम को। तो अगर आप इस तरीके से कमेंट करके आप खुश होते हो तो आप खुश हो लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं कब तक सफाइयाँ देती रहूँगी, नहीं दे सकती। मेरे पास खोने के लिए बच्चा क्या है, सब कुछ तो मेरा छीन चुके हो, सब कुछ तो मेरा चला गया है, खो गया है, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी है। आप लोग मेरी हिम्मत तोड़ना चाहते हो, मुझे तो तोड़ लिया, मेरी हिम्मत को तोड़ना चाहते हो कि ये हिम्मत टूट जाए इसकी, ये कमज़ोर पड़ जाए और ये बस रोती रहे, ये बर्बाद हो जाए, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं तोड़ पाओगे। कितने ही गंदे कमेंट कर लो, कितना ही गलत बोल लो, वो आप अपनी लैंग्वेज दिखा रहे हो, अपने संस्कार दिखा रहे हो, ठीक है। ओके जी, मेरा इसमें कुछ भी नहीं, आप बिगाड़ सकते। मेरा जो बुरा होना था मेरी किस्मत में, मेरे कर्मों में लिखा था, वो मेरे साथ हुआ है, लेकिन वो मेरी अपनी करनी है जो मेरे साथ ये सब हुआ है। किस किस का आप लोग मेरे साथ नाम जोड़ रहे हो, कोई बात नहीं, जोड़ लो। आपका मेरे साथ नाम जोड़ने से लोगों का मतलब जिसका भी नाम आप मेरे साथ जोड़ रहे हो, अगर आपको उस चीज़ से खुशी मिलती है आप खुश हो जाओ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। बिन जी मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ, मुझे अब ये है कि बस मुझे खुश रहना है किसी तरीके से, और मेरे फेस के स्माइल छीनने के लिए जो कुछ भी लोगों ने किया और जो भी कमेंट करते हैं कि रोएगी ये फिर आएगी लाइव और रोते हुए, अब नहीं आऊँगी मैं, अब नहीं रोऊँगी, चाहे कितने गंदे कमेंट कर लो, अपनी मैं रोऊँगी। अब मुझे खुश रहना बस अपनी लाइफ में, जिस चीज़ से मुझे खुशी मिलेगी ना मैंने वो करनी है, मैंने किसी का नहीं सुनना। कोई मेरे को अब किसी पे भरोसा नहीं रहा, किसी पे भी अब। तो पहले तो मुझे, मैं ना ऐसी थी कि मेरे को खुद पे भरोसा नहीं था, मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि नहीं कंचन तू गलत फ़ैसला ले रही है, तू गलत, लेकिन मैंने हमेशा दूसरों का भला सोच के फ़ैसला लिया है। अब मैं अपना खुद का सोचूंगी पहले, मेरा और मेरे बेटे का भी मैं सोचती हूँ, उसके लिए मैं करती हूँ जितना मेरे से हो बन पाता है करती हूँ, ठीक है। तो कोई मुझे आके सलाह देता है समझ में आता है, लेकिन जो आके टोंट मारते हैं ना उनको तो कोई जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि उनके जितना मुंह लगेंगे वो उतना ही आगे से गंदगी दिखाएंगे। तो जितना आपको लगता है, जितना भी आपने हम दोनों के रिलेशन को गलत दिखाना है दिखाते रहो, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। और जो भी जो स्टेटस डाल के कंजरी होटलों वाली ऐसे ऐसे करके बोलते थे, बहुत गलत चीज़ है, आपको शर्म आनी चाहिए इस तरीके की बातें करते हुए, ठीक है। क्योंकि इंसान ना अगर किसी जानवर के साथ भी रहता है ना, किसी कुत्ते बिल्ली के साथ भी रहता है, उसका भी भला सोच लेता है, लेकिन आजकल तो इंसानों का ही नहीं भला सोचा जाता जो बुरे लोग होते हैं। चलो छोड़ो, खैर ये बातें तो
बाकी मैं यही बताना चाह रही थी कि मैंने जॉब के लिए जहाँ पे मैं पहले काम करती थी अब वहाँ अप्लाई किया है, और वहाँ पे मुझे उन लोगों ने बोल दिया है कि जब आप ठीक हो जाओ आप ज्वाइन कर लेना। बस सैलरी का है कि वहाँ पे सैलरी कम है, जितना मैं यूट्यूब से कमा लेती हूँ उससे सैलरी कम है, बट मैं कोशिश करूँगी मैं यूट्यूब भी साथ के साथ कंटिन्यू रखूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरी लाइफ में बिज़ी होना बहुत ज़रूरी है। बिज़ी रहूँगी तो ही मैं थोड़ा ठीक हो पाऊँगी, थोड़ा मतलब लाइफ में खुश रह पाऊँगी, वरना मैं अपने पास्ट को कभी नहीं भूल सकती, और मैं पास्ट भुलाना चाहती हूँ, इसलिए मैं जॉब करूँगी अपनी। और लाइफ में बहुत कुछ होता है, अच्छा बुरा, अब बीमार होना, वो सब क्या पता बहुत बड़ा ग्रह था मेरे ऊपर आया जो छोटे में टल गया। अगर मेरी जान चली जाती, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाता तो अब तक क्या होता, तब का सोच के देखो। तो ये सोचती हूँ कि बहुत ज़्यादा बुरा होने से अच्छा थोड़ा बुरा हो गया, टल गया, कोई बात नहीं। रही बात फ़ोन की, तो वो मेरा अभी रिपेयर हो चुका है, वो अभी जैसे जैसे मेरे पास, मैं जॉब ही इसीलिए लगी हूँ क्योंकि जो मेरे पे पैसे वैसे देने हैं फ़ोन के भी देने हैं जो ठीक करवाया है, तो वो पैसे भी अब मुझे जॉब से कमा के ही देने हैं, क्योंकि यूट्यूब से नहीं अब मैं इतना काम कर पाऊँगी। मेरा गला ख़राब हो रहा है थोड़ा सा, इसलिए मेरी आवाज़ ऐसे हो रही है। तो जॉब भी साथ साथ करती रहूँगी और यूट्यूब भी, तो यूट्यूब की जो इनकम आएगी तो उससे मैं अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे करूँगी सारी, और जॉब से जो पैसे आएंगे उससे मैं अपने जो कर्जे वर्जे उतारने हैं वो उतारूँगी, जो फ़ोन के पैसे देने हैं वो दूँगी। तो इसलिए मैंने डबल डबल काम करना स्टार्ट किया है, और बिज़ी भी रखूँगी खुद को ताकि अच्छा काम आगे कर सकूँ, है ना, खुश रह सकूँ, और लोगों के बीच रहूँगी, फ्रेंड्स के बीच में रहूँगी तो मैं खुश रहूँगी। अकेली पड़ी रहूँगी तो मैं ऐसे रोती रहूँगी रातों को उठ उठ के। मैं सायरा सोती नहीं हूँ, जब मैं अकेली होती हूँ प्रियांश होता है तब मैं सोती हूँ, तो प्रियांश मेरे पास ही रहा करेगा, सिर्फ एक दो दिन मम्मी के घर आया करेगा जब उसकी छुट्टी होगी, फिर मैं अपने पास ही रखा करूँगी, या फिर अब जैसे काम पर लगूँगी तो दोपहर को इसको मुझे एक साइड की वैन लगानी पड़ेगी, ताकि वैन प्रियांश को मम्मी के घर छोड़ दिया करे, यहाँ से ये ट्यूशन जाया करेगा, ट्यूशन से जब ये आया करेगा मम्मी के पास तब मैं काम पे से आ जाया करूँगी, और फिर मैं प्रियांश को लेके घर आया करूँगी। तो इस तरीके से मैंने जो है अपना शेड्यूल सोचा है, तो मंडे से यही शेड्यूल मेरा चलने वाला है। हो सकता है मंडे तक मैं थोड़ा ठीक हो जाऊँ, ऐसे तो मैं चल फिर सकती हूँ, ऐसे तो मैं इतनी वीक नहीं हूँ, बस ये है कि मुझे काफ़ी टाइम तक जैसे मैं एक जगह पे बैठ नहीं सकती हूँ अभी, क्योंकि ड्रेसिंग करनी होती है, दवाई दवुई लगानी होती है, तो हाँ बाजार जा जाती हूँ, गेड़ा मारा ही आके फिर दवाई लगा ली, तो इस तरीके से भी पूरा दिन मैं कवर करके नहीं रख सकती, इसलिए एक दो दिन सोच रही हूँ कि जख्म थोड़े से ठीक हो जाए, ठीक होने लग रहे हैं बहुत थोड़े से बच्चे, अब दोबारा ठीक होने लग रहे हैं तो ठीक हो जाए, उसके बाद मैं अपना जो काम है वो शुरू करूँगी, अपनी जॉब पर जाया करूँगी। बैड कमेंट मत किया करो, आप लोगों का 2 मिनट लगता है बैड कमेंट करने में, किसी को बुरा लगता है आप एक बार भी नहीं सोचते हो, कोई बात नहीं, आपको जैसा देख के लगता है तो लगता रहे, पर बाकी इंसान को समझने के लिए ना अगर आप उसके 1 महीने भी व्लॉग देख लोगे तो भी समझ जाओगे, लेकिन अगर आप 2.5-3 साल वीडियोज़ देख के भी नहीं समझ रहे हो ना तो फिर कभी भी नहीं समझ सकते, ठीक है। बाकी मेरी आई डी पर मत लो किसी का नाम, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, और किसी और की आईडी पे भी जाके उसका नाम मत लो, जब मैं नहीं ले रही हूँ तो आप लोग क्यों ले रहे हो, मेरी लाइफ से रिलेटेड था ना, जब मैंने छोड़ दिया तो आप लोग क्यों इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हो जो हेट कमेंट करते हो। सो ये लोग वीडियो बनाने के लिए आए हुए थे, अपनी उन्होंने शॉर्ट्स वीडियो वगैरह कोई बनाई होंगी, जैसे मतलब ये वैलेंटाइंस डे वाले लव डे जो भी चल रहे हैं वो ये वीडियोज़ वगैरह बनाने आए थे, और मैं अपनी स्कूटी का स्टैंड डलवा रही थी तो इन्होंने डलवा दिया था, फिर रेस रूस सही करवाने वाली थी वो भी करवा दिया था, और एक ब्रेक वगैरह कसवाने वाली थी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि दिक्कत क्या आ रही है, स्कूटी सारी हिली पड़ी थी, खड़ 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 कर रही थी, तो वो इन्होंने ठीक करवा के दी है, क्योंकि आदमियों को पता होता है कि क्या नुकसान है क्या सही करवाना है। बर्गर खाया सारे बच्चे लंघन दो करी जाए तजर्बा मेरा पूरा एक
ਕਿਹੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਚ? ਹਾਂ ਓਹੋ ਬਈ ਹੁਣ ਤੇ ਵਲੌਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੰਘ ਲੈਂਦੇ ਬੀਬਾ ਬੰਦ ਕਰੀ। 4 ਬਰਗਰ ਖਾਣੇ। सो गाइज़ अभी मम्मी के घर आ गए थे हम, मेडिसिन वगैरह ले आई थी मैं कल जो मेरी शुगर की थी, क्योंकि ना जो आप ही लेके आई थी 2-3 दिन पहले उससे फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि ये कंपनी सेम ही है, कंपनी अलग है वैसे मेडिसिन सेम है, पर नहीं कंपनी और मेडिसिन का बहुत फ़र्क था। उससे मेरी शुगर नहीं, जैसे शुगर चेक करते थे ना तो वो कंट्रोल नहीं होती थी, शुगर कम नहीं होती थी। मम्मी का भी कोल्ड बहुत हो रहा, मम्मी बीमार हो रही है तो शुगर नहीं कंट्रोल होती थी। अब मैं शुगर की मेडिसिन लेके आई हूँ, मेरी दिन वाली अलग है रात वाली मेडिसिन अलग है, तो उससे है जो कंट्रोल होगी। और बाकी आज हम अपने घर चले जाएंगे, कल मैं सारी सफाई वगैरह कराई थी, उसके बाद स्कूटी ठीक कराई, स्कूटी ठीक कराने के बाद दवाई ली, दवाई लेके फिर मैं इधर आ गई। और एक बहुत कमेंट आते हैं ये सोने की नहीं है, मैं किन्ने बारी बोल गई हूँ ये गारंटी वाली चेन है, ये सोने की, मैं इतनी भी अमीर नहीं हूँ, इतनी लैंडलॉर्ड नहीं हूँ कि मैं ये चेन सोने की इतनी महंगी बनवाऊँगी, ठीक है? आप खुद देखो इतनी मोटी चेन है ये सोने की लग गई, ये गारंटी वाली चेन है, और ये गोल्ड की नहीं है, इसका कलर, इसका कॉपर कलर है, कॉपर। ये आपको इसमें फ़ोन में गोल्ड नज़र आ रही है इसलिए, और ये गारंटी वाली है 180 की या इतने की आई थी। ये दो चेन थी मेरे पास, एक इससे पहले पहनी होती थी मैं पत्तियों वाली, पंजाबी चेन बोलते हैं उसको, पिपल पत्ती वाली वो थी, उसमें नग लगे हुए थे, वो ख़राब हो गई, फिर मैंने ये पहन ली थी, ये ले ली थी। और इनका ये होता है गारंटी वाली का कि जैसे मान लो जब ये अगर ये ख़राब हो जाती है आधे पैसों में दे के, आधे पैसे और में कट जाती है चेन दे के, आधे पैसे और दे के फिर नहीं मिल जाती है, ठीक है? तो ये सिस्टम था। तो ये मेरी गोल्ड की चेन नहीं है, मत इतना वो सोचा करो गोल्ड की चेन पा के घूम रही है। हाँ टॉप पहना मैंने, ये टॉप पे भी जा रहे थे, टॉप मेरा इधर से उधरा हुआ है, मैं यही पहन के ऊपर से जैकेट पहन के चली गई थी, ये देख लो, ठीक है? सोच सवर के गई, मैं मेरे जो हाथ लगा मैंने पहना और मैं चली गई बाहर, इतना बस मेरे कपड़े गीले हो गए थे जब मैं सफाई करी, वरना मैंने वही कपड़े पहनने थे, लेकिन मैंने जब सफाई करी तो मेरे कपड़े गीले हो गए थे, इस वजह से मैंने ये पहन लिए। मैं नीलम के साथ भी मैं गई थी, उसके बाल उसने कटवाने थे, पहले मैं उसके साथ गई थी, फिर मैं अपने घर गई, सफाई सफुइयाँ करी, फिर मैं दवाई दवाई लेने गई, ठीक है? मत करा करो ऐसे कमेंट, मत करा करो यार, रोज़ रोज़ बंदा कितनी की सफाई दे दे, हार गई हूँ मैं भी, अब थक गई हूँ आप लोगों को सफाइयाँ देते देते। दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, दो तरीके की सोच वाले, एक पॉजिटिव सोच वाले, एक नेगेटिव सोच वाले। जो पॉजिटिव सोच वाले हैं वो अच्छा अच्छा देखेंगे, वो हर चीज़ में से पॉजिटिविटी निकालेंगे, लेकिन जो खुद ही नेगेटिव हो ना वो हर वीडियो में, हर चीज़ में, हर एक पर्सन में, दूसरों में नेगेटिविटी ढूंढेंगे, वो कभी उनमें पॉजिटिविटी ढूंढ ही नहीं सकते, उनको नज़र ही नहीं आएगी, क्योंकि उनकी सोच ही ऐसी होती है। तो सोच बदलो, बहुत ज़माना आगे तक बदल चुका है, बहुत बदल चुका है, ठीक है? बहुत दुनिया बदल चुकी है, चेंज हो चुकी है, 2024 आ चुका है, बट लोगों की सोच अभी भी 1994 वहीं अटकी हुई है। तो थोड़ा ग्रो करो, थोड़ा आगे बढ़ो, ठीक है? अपनी सोच को बदलो। बाकी मेरी लाइफ है ना, तो मुझे भी हक है, मेरा मेरे को भी खुश रहने का, हंसने का हक है। और रोती हूँ मैं तो भी बुरी हूँ, हंसती हूँ मैं तो भी बुरी हूँ, तो मैं आपको कभी अच्छी लग नहीं सकती जिनको बुरी लगती हूँ। किसी ना साथ आप मेरा नाम जोड़ रहे हो, कोई बात नहीं, चल जोड़ते रहो। कि काम करना है मुझे तो पता है, मेरे को काम नहीं करूँगी तो मैं कहाँ से पैसे जमा करूँगी? करूँगी जरूर मैं पैसे जमा, मैं पीछे नहीं हटूँगी, इतना मेरे को खुद पे यकीन है कि मैं पैसे जमा करूँगी। काली होने लग गई है चेन, कुंडा तो काला हो गया इसका, तो मेरे को खुद पे यकीन है मैं मेहनत करके कमाऊँगी, आगे बढ़ूँगी। सबसे पहले मुझे अपनी हेल्थ ठीक करनी है, मैं अपनी हेल्थ ठीक करूँ। थोड़े से जख्म रह गए, मतलब है ज़्यादा जगह पे इतना, जैसे मतलब अब भरने लग गए हैं, वो पिंकिश उसमें आने लग गए हैं, पिंक से अब वाइट हो जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इचिंग बहुत होती है। ਮੈਂ ਚੀਨੂ
रेडी वाले समझ नहीं आएगा आप किसकी बात कर रहे हो। चलो ठीक है गाइज, बाय बाय, वीडियो को अब एंड करते हैं, बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू।